Hello everyone welcome back to my channel MS study for CBSE pattern today i am going to start chapter 21 concept of perimeter and area and टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरिया ओके सो एरिया क्या होता है द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एंड क्लोज बाई आर प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर यानी कि यहाँ पे देखिए फिगर जो दिया हुआ है इसके अंदर जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है इस फिगर का एरिया है बिकॉज ये क्या है इसकी बाउंड्री से बाउंड है यानी कि इसकी साइड से हमने इसको बाउंड कर रखा है तो अंदर का जो भी फिगर है यहाँ पे जो भी प्लेस दे रखा है वो क्या है यहाँ का एरिया क्या है एरिया है ठीक है

एरिया ऑफ द फिगर इज एन सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि अगर उसमें टू फिगर्स दे रखे स्क्वायर की तो टू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फोर दे रखे हैं तो फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और अगर फाइव दे रखे तो फाइव सेंटीमीटर यानी की यहाँ पे जो एन है वो चेंज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग ओके उसके बाद है अगर हमें फाइंड करना है एरिया स्क्वायर पेपर को यूज करके तो कैसे करेंगे बोले सपोज वी है स्क्वायर पेपर पे फिगर बना हुआ है उसका एरिया में फाइंड करना है तो वी टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ द फिगर ऑन अ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ स्क्ट पेपर तो लेट द गिवन फिगर एम कंप्लीट एंगल्स यानी कि जो कंप्लीट स्क्स होंगे सॉरी ठीक है जो कंप्लीट स्क्स होंगे उन्हें हमें एम लेट करना है जो मोर देन हाफ होंगे उन्हें एन लेट करना है और जो एग्जैक्टली exactly हाफ होंगे उन्हें हमें पी लेट करना है ओके okay? तो हमारा यहाँ पे जो एरिया ऑफ द फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा एम प्लस एन प्लस हाफ ऑफ पी यानी कि फुल स्क्वायर मोर देन हाफ स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर ठीक है और इन सबको ऐड करके हमारा फिगर निकाल आएगा एरिया ठीक है तो जैसे देखिए यहाँ पे आ, मैं एक थर्ड वाला एग्जाम्पल इसका जो है वो ले लेती हूँ यहाँ पे देखिए जो र, राइट लगे हुए हैं कम्प्लीट एंगल्स हैं ओके जो क्रॉस लगे हुए हैं वो हाफ एंगल्स हैं और जो सर्कल बना हुआ है वो मोर देन हाफ है ठीक है तो इन्हें हमें क्या करना है एम लेट करना है जो फूल वाले हैं जो मोर देन हाफ है उन्हें हमें एन लेट करना है और जो हाफ है उन्हें हमें पी लेट करना है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इजिली आ जाएगा तो इसे हम एग्जाम्पल से नहीं अब एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं ठीक तो है तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज ट्वेंटी वन सी है द फॉलोइंग फिगर्स आर ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्लोज बाई इच फिगर एंड फाइंड इट्स एरिया टेकिंग द एरिया ऑफ इच स्क्वायर एज वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है यानी कि वन जो स्क्वायर दे रखा है इसका एरिया क्या है वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें पूरे फिगर का निकालना है तो इसका काउंट कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे ही जो स्क्वायर हैं वो कम्प्लीट हैं यानी कि ये एम है सारे के सारे तो काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आएगा एरिया इक्वल्स टू ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर ओके नेक्स्ट वाले का फाइंड कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो यहाँ पर इसका एरिया क्या निकल के आया एरिया इक्वल्स टू एटीन सेंटीमीटर स्क्वेर अब नेक्स्ट वाले का फाइन करते हैं वन इस वाले को नहीं फाइन करेंगे बिकॉज ये अभी हाफ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है फोर्टीन एंड पॉइंट फाइव यानी कि एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है उसके बाद फिफ्थ वाले में देखते हैं अब इसमें हमें देखना पड़ेगा बिकॉज इसमें हाफ वाले भी दे रखे हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कंप्लीट है ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलके फुल हो जाएंगे यानी कि सेवन हो गए ये वाला हाफ़ और ये वाला हाफ़ मिलके भी कंप्लीट एंगल स्क्वायर बन जाएगा तो एट हो गए तो यहाँ पे इसका एरिया निकला हमारा एरिया इक्वल्स टू एट सेंटीमीटर स्क्वायर उसके बाद अब इस वाली फिगर में पहले हम कंप्लीट वालों को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अब हाफ वालों को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि हाफ इंटू सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आपस में कट जाएगा तो नाइन और थ्री मिलके हो जाएगा यहाँ पे कितना ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इसके बाद इसका काउंट कर लेते हैं इसमें सारे के सारे ही फुल स्क्स दे रखे हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके उसके बाद यहाँ पर देखिए सेवन वाले में पहले कंप्लीट वालों को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है तो इसमें हम लिख लेते हैं फोर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अब मोर देन हाफ वालों को काउंट कर लेते हैं देखिए मैं सर्कल बना रही हूँ वो मोर देन हाफ है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अब एग्जैक्टली exactly हाफ वाले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक भी नहीं है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना टेन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इसके बाद इस वाले फिगर पे आ जाइए तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पहले फुल वालों को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्चुअली ये वाला नहीं लेना चाहिए मुझे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अब मोर देन हाफ जो है उनको ले लेते हैं तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और मोर देन हाफ यहाँ आई मीन हाफ भी कोई नहीं है तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा नाइन और फाइव फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये निकल आया हमारा एरिया उसके बाद आ जाइए नाइन वाले पे इसमें पहले फुल वालों को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो इसका एरिया निकलेगा हमारा एरिया इक्व टू फोर्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाफ वालों को वन टू थ्री फोर यानी कि हाफ इन टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो टू वन सो टू 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 सो फोर यानी कि फोर्टीन और टू सिक्सटीन सेंटीमीटर ओके उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो एरिया पर ही बेस्ड है बट उसे हमें फॉर्मूला के साथ एडम सिंपलीफाई करना है ओके तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर उसके बाद अगर आपको एरिया दे रखा हो रेक्टेंगल का और ब्रेथ दे रखी हो तो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया एरिया अपॉन में ब्रेथ और अगर ब्रेथ ना गिवन हो एरिया और लेंथ गिवन हो तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मुला हो गया एरिया अपॉन में लेंथ और अगर आपको स्क्वायर की कोई साइड गिवन ना हो बट डायगनल गिवन हो तो उसका भी यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू का ठीक है तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हम हमारी एक्सरसाइज है हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज ट्वेंटी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज अटल फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पहले हम यहाँ पे फॉर्मुला लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ है ट्वेंटी अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर टू टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मीनस पावर एड हो जाएगी इसकी पावर वन इसकी पावर वन तो पावर टू हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर फिर आप ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ट्वेंटी वन फिफ्टी का जीरो फिफ्टीन कैरी गया ट्वेंटी फाइव फोर सा हंड्रेड एंड फिफ्टीन वन हंड्रेड फिफ्टीन ठीक है तो ये हो जाएगा आपका वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया आपका रेक्टेंगल का नेक्स्ट है लेंथ इक्वल्स टू नाइन मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू सिक्स मीटर तो यहाँ पे भी पहले हम एरिया का फॉर्मला लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इन ब्रेथ लेंथ है आपकी नाइन मीटर और ब्रेथ है सिक्स मीटर देखिए मीटर और मीटर टू टाइम्स है तो ये हो गया मीटर नाइन सिक्स फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर मीटर स्क्वायर इज द एरिया नेक्स्ट है यहाँ पे भी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इन ब्रेथ लेंथ है हमारी फोर्टीन पॉइंट फाइव मीटर और ब्रेथ है सिक्स पॉइंट एट मीटर ओके तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने देखा तो आंसर आ रहा है हमारा नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स जीरो तो यहाँ पे लिख देंगे नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स जीरो मीटर स्क्वायर ओके अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं लेंथ गिवन है टू मीटर एंड फाइव सेंटीमीटर एंड ब्रेथ सिक्सटी सेंटीमीटर तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ है हमारी टू मीटर और फाइव सेंटीमीटर इनटू सिक्सटी सेंटीमीटर अब हम जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो हंड्रेड यहाँ हो जाएंगे आपके टू हंड्रेड सेंटीमीटर और फाइव टू हंड्रेड फाइव सेंटीमीटर इंटू सिक्सटी सेंटीमीटर के बाद ये वाला जीरो सिक्स फाइव से थर्टी थ्री कह गया सिक्स जीरो से ज़ीरो और थ्री थर्टी एंड सिक्स टू से ट्वेल्व ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और अगर इसको हम मीटर में, में कन्वर्ट करेंगे तो टू टाइम्स हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज तो सेंटीमीटर टू टाइम्स है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वन पॉइंट टू थ्री मीटर स्क्वायर ओके नाउ फिफ्थ पार्ट लेंथ इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू टू किलोमीटर तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मला लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू टू ब्रेथ लेंथ आपकी थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर एंड ब्रेथ है टू किलोमीटर तो ये हो जाएगा आपका थर्टी फाइव टू जैस सेवेंटी और वन डेस्मे छोड़ के डेस एंड किलोमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे आपका जो एरिया निकल कर आया वो है सेवन किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द एरिया ऑफ़ ऑफ़ स्क्वायर प्लॉट साइड द्लॉटीन मीटर तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लगाना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट साइड इंटू साइड आपका फोर्टीन मीटर इंटू फोर्टीन मीटर तो मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर एंड फोर्टीन को फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो, जाएगा 196, तो आ जाएगा सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मुला लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप ऑफ अ टेबल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ इक्वल्स टू टू मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इनटू वन मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे रफ में टू ट्वेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी ज़ीरो जीरो जीरो टू फाइव ज़ा टेन वन कह रही गया टू टू ज़ा फोर और वन फाइव टू टू ज़ा फोर वन फाइव जो फाइव वन टू ज़ा टू वन टू ज़ा टू उनका प्लस कर लो जीरो ज़ीरो टेन वन कह रही गया सेवन एंड वन ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ज़ीरो 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 सेवन वन ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ज़ीरो ज़ीरो सेंटीमीटर और वन सेवेंटी मीटर ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं ये सेंटीमीटर में हो गया और ये मीटर में क्लियर यहाँ पर टू है ठीक है अब इसे हमें क्या करना है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो टू तो सेवन जीरो 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 अफॉन में हंड्रेड इन हंड्रेड दो बार करना पड़ेगा तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट और एक जीरो से एक जीरो और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू पॉइंट सेवन मीटर स्क्वायर ओके अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कारपेट इज थर्टी मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एटी सेंटीमीटर वाइड फाइंड इट्स कॉस्ट एट रुपीज वन फिफ्टी पर स्क्वायर मीटर उससे पहले हम यहाँ पे कारपेट का एरिया निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ हमारी थर्टी मीटर एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये जगह थर्टी इंटू हंड्रेड यानी कि थ्री थाउजेंड और सेवेंटी फाइव उसमें ऐड कर लेंगे सेंटीमीटर इंटू एट्टी सेंटीमीटर ओके अब इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ज़ीरो एट फाइव जो फोर्टी फोर कह रही एट सेवन जी फिफ्टी सिक्स और फोर सिक्सटी ठीक है और उसके बाद एट थ्री जो ट्वेंटी फोर अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको टू टाइम्स हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया चल वन टू वन टू वन जीरो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका टू पॉइंट फोर सिक्स मीटर स्क्वायर उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट निकालनी है तो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू वन फिफ्टी रुपीज है तो यहाँ पे जाएगा कॉस्ट ऑफ एक नंबर छोड़कर ड्रेस में लगाना है ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स इंटू वन फिफ्टी ठीक है तो ये जीरो आ गया फिफ्टीन सिक्स नाइनटी नाइन कह गया फिफ्टीन फोर जो सिक्सटी और नाइन सिक्सटी नाइन सिक्स कह गया थर्टी और सिक्स थर्टी सिक्स और एक नंबर छोड़ के डेस्क में तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मैनी पेपर थ्री मीटर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बाई वन मीटर सेवेंटी टू सेंटीमीटर इफ ईच ई रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ़ साइज एटीन सेंटीमीटर बाई तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ शीट निकाल लेते हैं शीट ऑफ पेपर इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ अब देखिए यहाँ पर लेंथ दे रखी है हमें थ्री मीटर एंड ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ दे रखी है वन मीटर एंड सेवेंटी टू सेंटीमीटर ओके अब हम इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारे जो एनवलप बन रहा है वो सेंटीमीटर में ही है तो ये हो जाएगा आपका थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर इंटू वन हंड्रेड सेवेंटी टू सेंटीमीटर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे फाइव थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वन एंड एरिया ऑफ वन एंड ब्लॉक इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ हमारी एटीन सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा एटीन टू जो थर्टी सिक्स थ्री कह रही गया एटीन में से एटीन और थ्री ट्वेंटी वन ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पूछा गया है हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड तो एनवलप्स कैन बी मेड इक्वल्स टू जो हमारा शीट जो हमने निकाली थी उसका एरिया रखेंगे और अपॉन में एक एनवलप का एरिया रखेंगे ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया अब इसको थ्री की टेबल से कट कर देते हैं थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन एंड थ्री टू जै सिक्स थ्री वन जर थ्री थ्री एट जै ट्वेंटी फोर थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन एंड थ्री सिक्स ज़र एटीन फिर से थ्री से कट हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री सिक्स ज़र एटीन थ्री वन ज़ार थ्री थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन थ्री टू सिक्स नाउ थ्री एट जीरो ट्वेंटी फोर थ्री टू जो सिक्स जीरो थ्री सिक्स एटीन थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व टू से टू फोर ज़र एट टू वन जो टू जीरो टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर और फोर से टाइप कर देते हैं फोर वन जो फोर फोर टू जो एट फोर थ्री जो ट्वेल्व फोर थ्री जो ट्वेल्व तो यहाँ पर हमारे टोटल एनवलप्स कितने आ गए टू हंड्रेड थर्टी थ्री ओके तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तो तक के लिए टाटा बाय बाय अ नाइस डे एंड टेक केयर